बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि काशी, जिसको हम बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, कितना पुराना शहर है। कम से कम शब्दों में अगर कहें तो वाराणसी इज एज ओल्ड एज टाइम। दुनिया के लिए बनारस की पहचान है यहाँ के घाट, भगवान विश्वनाथ मंदिर और यहाँ का फूड। सुबह बनारस से हमने दिन की शुरुआत करी और इवनिंग में गंगा आरती के साथ डे एंड किया। नमस्कार, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय सुबह के 5 बजे हैं, हम 80 घाट पर खड़े हैं। आज दिन भर हम बनारस की गलियां घूमेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गंगा स्नान और सुबह बनारस से। काशी में दिन की शुरुआत करने से पहले गंगा स्नान करने हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट। यहां पर आकर गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। गंगा स्नान और सुबह बनारस के बाद हम निकले हैं घाट देखने के लिए इस बोट पर। कितना खूबसूरत नजारा है सुबह 7 बजे दशाश्वमेध घाट से बोट पर निकलना घाट देखने के लिए, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है बस यहां से बोट को बीच में रोक लें और इस नजारे को सिर्फ देखते रहें, देखते रहें। बोट पर हम 80 घाट पहुंचे। ये वही घाट है जहां हमने सुबह बनारस का प्रोग्राम देखा था अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। इस घाट का नाम 80 घाट इसलिए क्योंकि ये 80 नदी गंगा जी में यहां पर मिली हुई है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है दशाश्वमेध घाट से 80 घाट। काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 जगह दाह संस्कार किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट, अभी हम इसके आगे मणिकर्णिका घाट भी जाएंगे। साथ ही में जो आप देख रहे हैं केदारनाथ घाट, यहां पर केदारनाथ टेम्पल है, यहां पर गंगा स्नान करना अच्छा माना जाता है। इस समय हम मणिकर्णिका घाट पे हैं। ये वही घाट है जहां पर 24 घंटे दाह संस्कार होता है। भगवान शिव के वरदान के मुताबिक यहां पर जिन जिन लोगों की मृत्यु होती है, दाह संस्कार किया जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे इन्होंने बताया कि अगर आप देव दिवाली, जिसको कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं, उस दिन आएंगे तो आपको पूरे घाट जो बनारस के हैं सब में दिए जलते हुए बहुत खूबसूरत दिखेंगे। बहुत लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। काशी में स्थित काल भैरव मंदिर युगों युगों से भी पुराना है। बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप हैं। भगवान विश्वनाथ यहाँ के राजा हैं और काल भैरव यहाँ के कोतवाल। काशी में रहने के लिए आज भी सबसे पहले काल भैरव की अनुमति लेना अनिवार्य है। हमने मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन किए
और काशी की यात्रा शुरू करी। काशी में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अभी हम भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके आए। मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में गंगा स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विश्वनाथ गली है, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। मंदिर जाने के लिए अगर अपना मोबाइल फ़ोन पर्स आप रखना चाहते हैं तो इनके पास लॉकर्स भी ऑलमोस्ट हर किसी शॉप पे है। मैं चंदन देख रहा हूँ लेके जाने के लिए पूजा के लिए। भाई सर चंदन आपके पास लकड़ी मैसूर सेंटर बोर्ड तो ये आप मुझे दो दे दीजिए। बनारस का सबसे मशहूर नाश्ता कचौड़ी जलेबी खाने के लिए हम ठठेरी बाजार की ओर जा रहे हैं। भाई साहब मेरे को एक प्लेट दे दीजिए कचौड़ी साथ में जलेबी। सुबह 10:30 बजे तक यहाँ पर कचौड़ी का नाश्ता मिलता है, साथ में मैंने जलेबी भी ले ली है। इस कचौड़ी को आटे से तैयार किया जाता है, अंदर स्टफिंग की जाती है उड़द दाल की, एकदम खस्ता कचौड़ी। जैसे मैंने बाइट तोड़ा ना मेरे को ये बात का तो एहसास हो गया। आलू के साथ साथ ना थोड़े से उन्होंने ऊपर चने डाले और हरी और मीठी चटनी भी साथ में डाली है, मैंने भी डालते हुए देखा। माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में ना जाने कितनी जगह इस तरह की कचौड़ी पूड़ी जगह जगह खाई होगी, लेकिन विश्वास करो बहुत गजब टेस्ट है। ये है वो दाल की स्टफिंग और इतनी हल्की पूड़ी, हालांकि घी में हमारे सामने बन रही है, बेस्ट पार्ट है देसी घी इस्तेमाल हो रहा है और ऐसा करने से ऑयल नहीं आ रहा, तो ये भी एक कला है। बहुत टेस्टी इस पूड़ी और आलू के कॉम्बिनेशन में सारे वो गुण हैं जो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन और मज़ेदार नाश्ता। अंदर भी बैठने की जगह है लेकिन मैं बाहरी बेंच पे बैठ रहा हूँ। पीछे ताजी ताजी कचौड़ी तैयार हो रही है, अपने सामने बनते हुए देखो और साथ ही साथ गर्मा गर्म खाओ। सब्जी डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी और दे दो, बड़ी स्वाद है, मज़ा आ गया। थोड़ा सा सब्जी और दे दो और वो हरी चटनी और मीठी चटनी भी डाल सकते हो। सर बड़ा जबरदस्त टेस्ट है, मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ। क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, आज तो नाश्ता करके मजा आ गया। ओह गॉड, इससे अच्छा ब्रेकफास्ट तो मैं सोच भी नहीं सकता था। गर्मा गर्म कचौड़ी साथ में इस तरह से जलेबी, बेस्ट पार्ट है घी में बनी हुई और एकदम गर्म, सामने जलेबी तैयार हो रही है। लोग इंतजार भी कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट की वेटिंग भी लगी हुई है। टू गुड। एक ऐसा गेस्ट हाउस जहां लोग अपने जीवन के अंतिम समय में शरीर त्यागने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं, ऐसा हमारे विद्वत जनों ने कहा है। उसी उद्देश्य के निमित्त डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, उसके फाउंडर विष्णु डालमिया जी हैं और उनके परिवार के द्वारा इस ट्रस्ट को सन 1958 से चलाया जा रहा है। अब तक 14,762 लोग आए हैं,
जिसपे से 92 से 94% लोगों की मृत्यु एवं मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर 10 कमरे हैं जो मोक्षार्थी और उनके परिजनों को दिया जाता है। साथ ही उनको कोई भी आवश्यकताएं या कोई ज़रूरत होती है तो उसे यहाँ ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी मैं अंदर रूम में देखने गया था तो एक फैमिली आई हुई है, वो अपने जीवन के जो अंकल थे अपने जीवन के आखिरी स्टेज में, मेरे को 10 मिनट मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, सही में बात ही नहीं हो रही थी, मेरी आंखों में एकदम आंसू भर आए थे कि मैं कैसे उनसे बात करूं। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपके पिताजी ने कितना, 40 साल? हाँ, 42 साल से थे, 89 से यहाँ मैनेजर थे, व्यवस्थापक, उसके पहले फिर यहाँ पर कर्मचारी के रूप में थे। धन्यवाद। मुक्ति भवन जाने के बाद अब मेरा इस समय कहीं जाने का मन नहीं है, तो मैं 2.5 घंटे के लिए अपने होटल आ गया हूँ। आज का लंच भी स्किप, अब सीधे 3-3:30 बजे दोबारा निकलेंगे। टमाटर चाट आपकी मशहूर है, तो मेरे को एक बना दीजिए। मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसी चाट खा रहा हूँ जो टमाटर से बनी है। मैंने देखा बनते हुए, घी भी डालते हैं, चाशनी भी डालते हैं, और ऊपर ये डालते हैं नमकीन जो कि मैदे से बना है, और काफ़ी सारा धनिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। चाट का कुल्हड़ में सर्व होना इस तरह से गर्मा गर्म, बहुत ही मज़ेदार, खाने से पहले ही मज़ा आ रहा है। क्या टेस्ट है, ना जाने मैंने कितनी चाट खाई होंगी आज तक, बहुत ज़्यादा। मेरे को शौक है चाट खाने का, लेकिन विश्वास मानो मेरे अभी तक के जीवन के एक्सपीरियंसेस के अंदर ये टॉप 3 बेस्ट एक्सपीरियंसेस की चाट है। इसके अंदर बनते हुए जैसे मैंने देखा चाशनी, उसकी हल्की हल्की मिठास, ऊपर से घी का टॉपअप दिया, वो अपना मज़ा दे रहा है, और वो टमाटर और आलू का जो इन्होंने पेस्ट तैयार करके इस चाट में इस्तेमाल किया है, सब कुछ ही बढ़िया है। गरम मसाले का फ्लेवर आ रहा है, जीरे का फ्लेवर आ रहा है, तूफान। ये देखो, मैं जीरे की बात ही कर रहा था, सामने से दिखाई दे रहा है। कितनी तारीफ करे आदमी इस चाट की, शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी टेस्टी चाट है और कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त है। अंदर बैठने की जगह भी थी लेकिन इस टाइम फुल है, मैं बाहर रोड पे खड़े होकर खा रहा हूँ। काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, काफ़ी नॉइस, इन सब के बीच में इतना चाट मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये कह सकते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, सच अ टेस्ट। यहाँ पर पालक चाट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, तो मैंने अपने लिए चाट भी मंगवा ली, साथ में आपको दिखाने के लिए ना ये पकौड़ा ले लिया पालक का जिसपे इन्होंने चाट बनाई है। पकौड़े के रखेंगे हम बाजू में स्कूटर पे, और एक पकौड़ा अलग से खाएंगे। ओ गॉड, ये पकौड़े को हाथ में लेते ही क्या क्रिस्पीनेस की फीलिंग आ रही है। जैसे टमाटर चाट जीवन में पहली बार, ठीक उसी तरह पालक पकौड़े से बनी हुई चाट पहली बार। पकौड़ा पालक का, उसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी दही के साथ, डिफरेंट एक्सपीरियंस, नो डाउट दही अच्छी क्वालिटी का है, बाकी सब कुछ ग्रेट है। लेकिन अभी क्या है, मैंने जो टमाटर चाट खाई है ना, वो मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन चुका है। दिस इज गुड बट दैट वॉज एक्सीलेंट। विशेषरगंज के अंदर मैं समोसा खाने के लिए शॉप में रुका हूँ। समोसे को सर्व करने का अंदाज आप देखो, पहले इसको थोड़ा क्रश किया, उसके ऊपर मटर डाले, मीठी चटनी डाली, और सबसे बेहतर बात है इसको सर्व इस पत्तल में किया जो हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम ट्रेडिशनल मेथड। समोसे के साथ ये जो मटर है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। समोसे का जो मसाला है बहुत ही ज़्यादा लाइट है,
मतलब कि उसके अंदर मिर्च ना के बराबर है। भाई साहब ये समोसा आप लोग घी में बनाते हैं? देसी घी। तो आपके टाइमिंग्स क्या हैं? थोड़ा मटर और चटनी और दे दो। गरम है। हाँ थैंक यू थैंक यू। चटनी दे दो। बड़े इस ज़माने के बाद ना मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि इस तरह का मैं पत्तल में खा रहा हूँ। ना जाने कितने साल बाद मेरे को मौका मिला है यहाँ पर बनारस आकर। छोटे थे तो तब तो खाया करते थे, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, लेकिन अमेजिंग। इन्होंने मुझे बताया कि ये जो दही वड़ा है ना, इसमें वड़ा किसे छैने से तैयार किया गया? अच्छा, छैने से तैयार किया पहली बार, क्योंकि आज से पहले हम लोग वड़ा खाते आए हैं जो दाल से बनता है। तो मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा वड़ा खा रहा हूँ दही के साथ जो चैना से बना है। धन्यवाद। ये आपने ऊपर कौन सा मसाला डाला? इसमें काला नमक होता है, जीरा होता है। वेरी गुड, धन्यवाद। मसाला थोड़ा और बढ़ाओ। मसाला ये मसाला बड़ा मजेदार है आपका। गुड है दही, गुड क्वालिटी। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बनारस के अंदर। और ये मेरी पहली बाइट जाने वाली है छैना। एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है छैना वाला वड़ा खाना। सच पूछोगे पहली बार तो उतना वो नहीं लगा फर्स्ट बाइट में, क्योंकि अभी ना इतना हम लोग यूज टू हैं दाल वाला खाने के। तो इस तरह से छैना ऑब्वियसली मीठा है, जिसको चाशनी में सोख भी किया जाता है। कुछ नया ट्राई करने के तौर पर सही है, बट मैंने वो समोसा तो बहुत एंजॉय किया। गदोलिया से इस समय हम दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ काफ़ी सारी कपड़े की दुकानें हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने की शॉप्स भी दिखाई दे रही हैं। हम वैसे जा रहे हैं आरती देखने के लिए, और आरती से पहले हम बोट राइड करेंगे। सामने मेरे को ना डोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार देखा जाए। भाई साहब क्या आपके पास डोसा? ओके, प्लेन डोसा वो मेरे को आप एक कर दीजिए। साथ में क्या देंगे? चटनी। नारियल की चटनी, उसके ऊपर इस तरह से सरसों, और दशाश्वमेध घाट से हार्डली 100 मीटर पहले हम डोसा एंजॉय कर रहे हैं। गुड टेस्ट। तो ये भाई पूरा दिन रहते हो यहाँ पे? 4 से 9 शाम को। सही है, बड़ा सिंपल सा डोसा है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। और चटनी के साथ खूब इंजॉय करो। अंदर खाली थोड़ा सा प्याज, हल्का सा टमाटर, और बनाना लीफ पे सर्विंग। वैसे आज मैंने पहले दिन में देख लिया बनारस में काफ़ी साउथ इंडियन फूड मिलता है। मैं भले सुबह से पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन जगह जगह मेरे को दिख गया काफ़ी सारा साउथ इंडियन फूड। शाम के 5:30 बजे वापस आ गए हम दशाश्वमेध घाट। इस समय हम बोट में ऑलरेडी बैठ चुके हैं दोबारा बोटिंग करने के लिए। पीछे आप देखिए घाट, गंगा आरती की तैयारी हो रही है। 6:30-7 बजे आरती स्टार्ट होगी, तब तक हम थोड़ा घूमेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शाम के समय बोटिंग कर रहे हैं। जिस जगह से इस समय हम गुजर रहे हैं, वाराणसी का ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्ट है। हजारों हजारों साल से इस जगह क्रीमेशन होता है। काफ़ी सारी होली बुक्स के अंदर मणिकर्णिका का घाट का जिक्र है। इस जगह आकर बहुत इमोशनल सी फीलिंग आ जाती है, लेकिन क्या करें, यही जीवन की सच्चाई है।
Hi! No, I have to say it was wonderful. Wonderful, very nice ceremony. Yeah, I'm enjoying this time here. I'm very glad that you're part of this big ceremony. Yeah. Thank you. You're welcome. गंगा आरती देख लेने के बाद इस समय हम गोदोलिया चौराहे के पास केसीएम सिनेमा हॉल के सामने आए हैं रबड़ी खाने के लिए। सर रबड़ी दे दीजिए। वाराणसी में मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जैसे मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इस तरह से कूलर में रबड़ी सर्व कर रहे हैं। ऊपर केसर, और ये रहा हमारा रबड़ी की पहली बाइट। बहुत ही प्योर और मीठा, एकदम एग्जैक्टली उतना ही जितना रबड़ी में होना चाहिए। शाम को ये बाजारे हैं 7:30 बजे खोलते हैं, 11 बजे तक केवल शाम को ये दुकान ओपन रहती है, दिन में नहीं रहती। तो बताइए, ये वाराणसी का टूर आपको कैसे लगा? मेरे साथ सतीश जी हैं, ये एक्सपीरियंस वाराणसी के नाम से फूड टूर रन करते हैं। आज इन्होंने हमें पूरा वाराणसी घुमाया। सुबह हम कितना 3:30 बजे से इनके साथ हैं और इस समय शाम के 8:30 हो चुके हैं। वेरी वेरी हेक्टिक डे, बट हमने बहुत मजा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप बताइए, आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा? हमेशा की तरह हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। काफ़ी नॉइस है यहाँ पर, दैट्स इट। थैंक्स फॉर योर टाइम।